आज दिवाली का दिन है। पूरा देश अपने अपने घरों में दिवाली का त्योहार मना रहा है, मगर हमारे देश का सैनिक सरहद पर अपना फर्ज निभा रहा है। हमेशा हम सब यही सोचते हैं कि एक सैनिक, चाहे वो किसी भी देश का हो, वो सरहद पर लड़कर मर जाने के लिए होता है। हम कभी ये नहीं सोचते कि उसका भी अपना एक परिवार होता है, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार होते हैं। उसका भी मन करता है कि वो भी अपने तीज त्योहार अपने परिवार के साथ मनाए, अपनी बीवी और बच्चों को मेले में लेकर जाए और बाजार घुमाए। लेकिन हम सब देशवासी अपने त्योहार और उत्सव आजादी से इसलिए मना पाते हैं क्योंकि हमारे देश की सरहदों पर सैनिक मुस्तैदी से 24 घंटे तैनात रहते हैं। तो आइए हम सब चलते हैं रेजांगला की उन बर्फीली पहाड़ियों में, जहां का तापमान इस समय लगभग -37 डिग्री है और 13 कुमाऊ रेजिमेंट के वीर सैनिक अपनी दिवाली मना रहे हैं। साहब जी कुछ फिल्मी सुना दे। कौन सा फौजी हो साहब जी? वही वही जो ससुराल फिल्म वाला गाया करो। हाँ साहब जी, वही सुना दो। ओ तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बतू चश्मे बतू, मुकड़े को छुपा लो आजल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बतू चश्मे बतू। तू भी कुछ सुना दे। अब भाई निहाल भाई की फरमाइश है तो जरूर सुनाऊंगा, तो सुन। ओ तन्ना जब बनायो भगवान खिलोड़ो माटीरो, तन्ना जब बनायो भगवान खिलोड़ो माटीरो। अरे थाम जा, कोई हरियाणवी सुना दे। हरियाणवी सुने को? हाँ। चल आज मैं थारे को रागनी सुनाता। हाँ रागनी सुना। सुन। ये रे साथ रहनिया संग के साथी, दया मेरे पे फेर दियो, देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो, लिख चिट्ठी में घेर दियो। खबर है कि
चीनी सेना चुसूर घाटी में चाय नाश्ते का सपना देखन लाग रही। मारे को सतर्क रहने को कहा गया है। चिंता न करो रामचंद्र, हम भारत के वीर सिपाही हैं, अपनी जान की बाजी लगा देंगे पर एक इंच भी जमीन इन चीनियों को नहीं देंगे। तेरा कुमाऊं बटालियन के हम वीर सैनिक चुसूर घाटी में चाय नाश्ता तो क्या उन्हीं की तेरवी के चावल बनाकर खावेंगे। साहब जी, उनकी तेरवी के चावल तो मैं बनाऊंगा, पहले आप दिवाली की खीर खाओ। साहब, हम आज री गोली और आखिरी सांस तक चौकी खाली नहीं करेंगे। साथियों, आओ आज फिर से हम वो कसम खाते हैं जो हमने ट्रेनिंग के दौरान मातृभूमि की रक्षा के लिए खाई थी। हम वीर सैनिक गढ़वा मैया की कसम खाते हैं कि अपनी आखिरी सांस तक भारत माता की रक्षा करेंगे। जय हिंद। सिपाही रण से भागना कोनी जाने। साहब, जिस भूमि पर हमारे पूर्वजों के तीर्थ और देव स्थान है उस पर हम किसी दूसरा के गंदे पांव ना पड़ने देंगे। हम उन चीनियों को छड़ी का दूध याद दिला देंगे। साहब, इन चीनियों को इतनी गोली मारूंगा कि वो पानी भी गोली मांगेंगे। साहब, उनकी गात की छाली बना देंगे। धर्मपाल, तेरी भी किस्मत कसूर की है। दुश्मन आके गोली मार के जख्मी करता है और मारे लागे हुए जख्मों पर पट्टी भी करता है। यो किस्मत तो सारे फौजी डॉक्टर के हो गए हैं। बाकी थारू नाम भी तो दयाराम है। देख, इस दुश्मन देश के सिपाही पे दया करी। रात के अंधेरे में चोरा कठार हमला करे थे। अरे ओ चीनियो, मर्द की औलाद हो तो दिन में क्यों नहीं आंदे? वो बहुत दूर है, तेरी आवाज नहीं सुन पाएंगे। चुप आ जा। अरे तू तो सुनन लाग रहा है, जाके बोल या बावड़ी पूछ। अरे ओ रामचंद्र, तन्ने कुछ सीखा कि नहीं? कितनी हार होगी तब तक दूरबीन लगा के देखा लाग रहा है। अरे नहीं दिखा तो नीचे आ जा। जी साहब,
या तो हमारी बात हेडक्वार्टर से करवा सकते हो। जी साहब। चार्ली टू डेल्टा, चार्ली टू डेल्टा, ओवर। सिग्नल रिसीव, डेल्टा टू चार्ली, ओवर। मेजर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। चार्ली टू डेल्टा, मेजर सतार सिंह भाटी बोल रहा हूँ। कल रात के हमले में हमारे 32 जवान शहीद हो गए हैं। हमारे को रीइंफोर्समेंट की जरूरत है, ओवर। रीइंफोर्समेंट को पहुंचने में 3 दिन लग जाएंगे, तब तक आप पोस्ट को होल्ड कीजिए, मैं हाईकमान से बात करता हूं, ओवर। दुश्मना की संख्या घनिष्ठ है, हमारे बाकी साथी भी मारे जाएंगे और ये रिजांगला भी चीन के कब्जे में चला जाएगा, ओवर। मेजर साहब आप पोस्ट होल्ड कीजिए, मैं जितना जल्दी हो सकेगा हाई कमांड से बात करके मैसेज देता हूँ, ओवर। जो भी कर दो है ताबड़ी करिए, दुश्मन मारे पर कभी भी हमला कर सके, ओवर। सॉरी मेजर साहब, आप पोस्ट छोड़कर पीछे क्यों नहीं आ जाते, ये बात आपको पहले भी कही जा चुकी है, ओवर। जी साहब, ओवर एंड आउट। क्या हुआ साहब? कुछ खास बोली दे रहा हूं। फिर भी उन्होंने कुछ तो कहा होगा। उन्होंने कहो तो कुछ नहीं, बस मारे को लड़ने की पूरी छूट दे दी है, तुम्हारी बहादुरी देखना चाहते हैं। तो अब तक बाने मारी बहादुरी पर शक हो, हमारे साथी के गुल्ली डंडा खेलते हुए शहीद होया है। अरे सीधा सीधा कौन ही कहते कि हमारे लिए कोई मदद कौन ही भेज सकते। साहब जी, ऊपर से कुछ नहीं दिखा लाग रहा से। आप बहुत तो चीनिया कानी कस लगा हूं। तेरे दिमाग में तोड़ी भरी पड़ी है के चीनिया कानी कस लगा जाऊगा, तन्ने समझ में भी आवे कि तू क्या बकल लाग रहे हो। तो क्या गलत कह दिया मन ने, जड़े तक मेरी नजर जावे उड़े तक तो कस लगा ही सका है यो निहाल सिंह। तो एक काम कर, अठियो चीन चला जा और बठियो पाकिस्तान गश्त लगा। अरे छोड़ दे मेरे यार। निहाल सिंह माफी साहब जी। दादा जयराम, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, क्या लियो, हम सब थक भी गए हैं। देखूं निहाल सिंह। दादा जयराम, एक बार पूछ तो लो जो मांगने के लाग रहा सर। अरे वो क्या कवे है अंग्रेजी में, भाप सी लिखड़िया करे और भूरी सी मलाई जम जावे है। अरे वो सतपाल क्या कवे है अंग्रेजी में, हॉट टी, गरम चाय। वाय वाय वाय, ओटी ओटी वाय, पिलाते जयराम जी। क्या हुआ साहब, आपको इतना चुप तो पहले कभी नहीं देखा। कुछ खास कूड़ी दे रहा, रिजांगला की इन बर्फीली पहाड़ियों को देख रहे हो और उनके पाछे से निकलता तो सूरज, मारी आंखें इनसे खूबसूरत काय कोनिया देख सके, पर ना जाने क्यों हाजी उसे पराये सो लागे। जानते हो मदद पहुंचने में 3 दिन लग जाएंगे। क्या तब तक हम क्या करेंगे साहब? अब फिर बताओ, हमारे को क्या लड़ना चाहिए? हमने लड़ना चाहिए साहब। हाँ साहब, हमें लड़ना चाहिए। जिंदगी में जीने के मौके तो बहुत आवेंगे, लेकिन देश खातिर लड़कर मरने का मौका एक भी ही आवेगा। नहीं,
बड़े लागे हैं था सब लोगों ने वापस लौट जानो चाहिए। यो थे के बात कर रहे हो साहब जी, आता दिनों तक आपा साथ रहा, हम सब के कोनी झेलियो, दुश्मना के हर एक बढ़ते कदम पाए आपने ही हमारे अंदर डटे रहने की हिम्मत दी, और आज आप कह रहे हो कि हम सब वापस चले जावे। ना साहब जी ना, मैं यो पोस्ट छोड़ के कितने को नहीं जाऊं। साहब जी अगर वो हमारे तक मदद नहीं पहुंचा सकते तो हमें भी उनकी मजबूरी समझनी चाहिए। पर आप चिंता क्यों करते हैं साहब, हम दुश्मन को धूल चटा देंगे। इंजीनियर ने चिन्नी की तरह कांचे छाप जाऊंगा, क्यों रे कहने क्यों नहीं। हाँ इन चीनियों के इतने टुकड़े करूंगा कि किसी भी डॉक्टर खातर गिरना मुश्किल हो जाएगा। अरे हम भी तो देखे कि हमारी धरती माँ की तरफ आग उठाने वालों में कितना दम है। साहब जी इन चीनियों को तो मैं बीच से पार दूंगा, पर इनको गाजर मूली की तरह काट के तड़के तड़क तड़का लगा के खा जाऊंगा। हम इन चीनियों को बता देंगे कि हम भारतीय सैनिक किसी से कम नहीं। एकदम सही कहे नियाज सिंह। और साहब जी हमारे राजस्थान में एक कहावत है, ज्यादा रोणो धोणो नहीं, अत्तो दुखी होड़ो नहीं, पायो मोको खोड़ो नहीं, और दिन चलिया तक सोनो नहीं। अरे ओ टू कहना के चावे है, जिस तरह एक ऊंट बिना पानी के भी रेगिस्तान में खड़ा रहे ना, उसी तरह हम सब भी रेजांगला किन बर्फीली पहाड़ियों में खून की आखिरी बूंद बहन तक डटिया खड़ा रहेंगे साहब जी। और वैसे भी साहब जी हमारी दुनिया बहुत पाछे छूट चुकी है, अब लड़ने के अलावा हमारे मन में दूसरा कोई विचार नहीं आता। थारो थारो को क्या करो है फौजियों, हमें लड़ना चाहिए। क्यों बोल रहे हो? नहीं ऐसा अच्छे से जानो हो कि हमारे पास असला बहुत कम है, लगभग खत्म हो चुकी हो गई, और हमारी संख्या इतनी भी नहीं कि बिना मदद के हम दुश्मन को रोक सके। इसलिए हूं चाहू हूं सब लोग वापस लौट जाओ। ये कैसी बात कर रहे हो साहब, हम सब पछड़ जावा लेकिन कहां, और ये तुम सबका क्या मतलब है साहब जी? और आप समझ क्यों रहे विक्रम सिंह? मैं कुछ समझना भी नहीं चाहता साहब, मैंने अपनी समझ खो दी। माफ करियो साहब जी लेकिन अपने इतने जवान साथियों को अपनी आंखों के सामने खो के मैं पूरी जिंदगी तिल तिल मरता रहूंगा। मेरी आत्मा मैंने बार बार धिक्कारेगी। मैं कितने बताऊं साहब जी, किसी और का जाना से तो चला जाओ। मैं भी ये पोस्ट छोड़ के मुझे कहना पड़ेगा क्या? पोस्ट तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा साहब, मैं भी कितना जाऊंगा साहब। हम क्यों वापस जाएं साहब जी? विक्रम सिंह जी मैं ठीक कहने लग रहा है साहब जी, वापिस जाकर भी क्या होगा, पूरी जिंदगी कसक सी उठती रहेगी हम सबके मन में, ये पीठ दिखाकर चले आए सरहद पर थे, देश की रक्षा करण खाकर जो हम सब ने कसम खाई थी उसका के साहब जी उसका के है। सब लोगों के जज्बात की कदर करता हूँ, पर यह ऊपर से ऑर्डर है, या तो हम पाछे हट जाए या जब तक अपनी पोस्ट को होल्ड करके रखें। ये बात कर रहे हो साहब जी, हम अपनी पोस्ट तो के कोई कहे तो इंजीनियर के पोस्ट को भी होल्ड करके रख सकूं। साहब जी हमारे रेवाड़ी में न्यू कहा करे कि झगड़ा झूठा और कब्जा साचा। वो कहता रहता हूँ साहब जी कि जो बाबली भूज पागल है अपनी पोस्ट होल्ड करने की तो समझ में आवे है, बाबली भूज तू चीनियों की पोस्ट कैसे होल्ड कर ले वो? अरे ये चीनी बार बार कहते न रहे कि हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, अरे भाई भाई के काम नहीं आवेगा तो खून आवेगा, अरे भाई चारे में तो एक पोस्ट इंजीनियर है मैं भी ले सकूं सू। दादा जयराम मीठा घाट है इसमें चीनी निकाली के। ये भगवान जद देखो चिन्नी 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 करता रहे, कल रात ने तुम्हें सालों चीनी हमला करने आयो थो, रख लेते हो दो को खोल के पी ले तो। युद्ध केवल जज्बाते के साथ लड़ा जा सके, अरे हम किसी भी मामले में उनके सामने नहीं ठहरते,
हमें एक बार अच्छे से सोच लेना चाहिए। तो हम क्या करें साहब, हम यहां से पीठ दिखाकर भाग जाएं? नहीं दयाराम, थारे से कौन कहे कि थे से पीठ दिखाकर भाग जाओ, लेकिन एक बार बिना जज्बाती हुए थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच तो ले। माफ करियो साहब जी, मैं घनी देर से चुप हूं, हमारा दिमाग केवल दुश्मना के सामने गर्म हो गए। हाँ अभी आप हमें केवल जज्बाती समझ बाबड़े हो गए थे सब लोग बाबड़े। क्या हुआ साहब जी, आपको कौन सी बात परेशान करने लगी? अब थे बताओ जयराम, मैं कैसे हैं सब लोग ने दुश्मना से लड़ने की छूट दे दू, और जो ना जाने मारे से गिनती में कितनों अधिक है। एक बात कहूं साहब जी, आप इन सबने पाछे हटने को मत कहो, मत रो कोई नहीं, अरे ये लोग नहीं मानने वाले। और साहब जी एक बंदूक तो मने भी दे दो, भले ही मारी ट्रेनिंग उस तरह से ना हुई हो, मगर 8-10 चीनिया ने तो मैं भी मार सकूं साहब जी, गारंटी। जयराम मने थारे से उम्मीद ना थी, मथे सब लोगों ने आखिरी बार पूछू हूं कि थारे लिए इस देशभक्ति भावना के परे कोई और भावना मायने नहीं रखा है। मैं थारे से पूछू रामचंद्र, थारो अपने परिवार अपने माँ बाप भाई बहन के लिए कोई कर्तव्य ना बने, बोलो। अरे चुप क्यों हो, कुछ कहते क्यों नहीं? मैं क्या कहूं साहब जी, मेरी समझ तक कुछ ना आ रहा। आज ना जरूर है कि कम से कम इस वक्त तो मेरे मन में सिवाय मेरी देश की रक्षा के और कुछ कोनी साहब, और कुछ कोनी। रामचंद्र सही कहने लग रहा है साहब जी, एक बंदूक मने भी दे दो साहब जी, हूँ भी देश की रक्षा खातिर शहीद होने तैयार हूँ साहब जी। अगर सभी अपने प्राण देश पर न्यौछावर कर देंगे तो सैनिकों के परिवार को क्या होगा, उनके माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चों की जिम्मेदारी कौन उठावेगा? देश उठावेगा, सरकार के नुमाइंदे उठावेंगे। सरकार? अरे सरकार के नुमाइंदों को अपनी राजनीति चमकाने से फुर्सत नहीं है, सरकार के नुमाइंदे उठावेंगे। आप ठीक कह रहे हैं साहब जी, फौज का जब कोई बड़ा अफसर शहीद हुए है ना, तो उसकी लाश को घर वालों तक पहुंचा दी जाती है और उसकी शहादत को पूरा सम्मान दिया जाता है। और हम सैनिकों का क्या, हमारी तो लाश के दर्शन भी हमारे घर वालों को नहीं हो पावे हैं, और सरकारी रिकॉर्ड में लिख दिया जावे है मिसिंग, और हमारी शहादत भी मिसिंग यानी कि गुम हो जावे। उधर हमारे घरवाले सरकारी दफ्तरा के चक्कर काट काट के बूढ़े हो जावे, अरे लोग हमारी शहादत तो क्या हमारी मौत का भी यकीन कोनी कर पाते। अरे यही देशवासी तो हमें भगौड़ा तक के देवे हैं साहब जी। क्या कर सकता हूँ साथियों, दीज ब्लडी रूल्स ऑफ आर्मी, पता नहीं वो दिन कब आवेगो जिस दिन सिपाही चाहे अधिकारी हुए जवान सबकी शहादत शहादत होगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। पता क्या कर सकते हैं साहब, हम तो देश की रक्षा करने खातर आते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। आप बस ये बताओ कि अब करना क्या है। मतलब ऐसा बोल पाछे हटना नहीं चाहते? नहीं साहब, पाछे हटन की तो बात ही ना करो साहब, आप बस यो बताओ कि करना क्या है। ये तो वक्त बतावे वो कि मारे को कब कैसे और क्या करना है। फिलहाल हमें किसी भी परिस्थिति खातर तैयार रहना चाहिए। क्या तुम सब तैयार हो? जी साहब। क्या तुम सब तैयार हो? जी साहब। सरपाल सिंह, सरपाल सिंह, तुम सुबह से चुप हो सरपाल सिंह, क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहते? मुझे लगता है
मेजर साहब ठीक कह रहे हैं, हम सबको पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाना चाहिए। पागल हो गया सगी सतपाल? मैं पागल नहीं हूं। मेजर साहब की बात मानो और पोस्ट छोड़ दो, नहीं तो बेमौत मारे जाएंगे हम सब। हमारे घर वालों को हमारी लाश तक नहीं मिलेगी, चीनी कुत्ते नोच नोच कर खा जाएंगे। तेरा दिमाग खराब हो गया है केसरपाल? तू इस वक्त घर लौटने की बात कुकर कर सके है? मैं भले ही अनपढ़ हूँ सतपाल, लेकिन इतना तो मैं भी जानू सू कि जो सिपाही देश खातर शहीद हो सके है वो तकदीर वाला हो ऐसे। लेकिन इस तरह शहीद होने को शहीद होना नहीं कहते, इसे आत्महत्या करना कहते हैं। आत्महत्या? मुँह तो हमेशा ही कह तो आया हूँ साहब जी कि यो फौजी मरणों से खड़ो डरा है। बुजदिल, अब तो अमीर थारू बाप, जब मरण से तो डर लगा है तो फौज में गुड़ की डली लेना आयो? अरे कोई और काम धंधा कर ले तो। मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन इस तरह मरने से मौत का अपमान है। तुम सब भली भांति जानते हो दुश्मन को, उनके हथियार और असला हमसे बढ़िया है, और उनकी संख्या वो तो हमसे 100 गुना या फिर इससे भी ज्यादा है। वैसे भी हमारे पास इस पोस्ट को होल्ड करने के लिए बचा क्या है? हम गिने चुने सैनिक और एक लांगरी। तो इन सब बातों को बजा मानकर जैसे पीछे हटना चाहता हूं। गुड गुड सतपाल सिंह, मैं यही बात इस सबको तब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पर यह बात थारी समझ में आई। हेड से खुशी खुशी चले जाओ भैया, मैसेज हेडक्वार्टर तक पहुंचा दूंगा। लेकिन साहब, आप भी तो यही चाहते थे और हाई कमांड का भी तो यही ऑर्डर है। वो तो मैं भी जानू हूं, पर थारा दिल के क्या गए? क्या मैं जान सकू हूं कि थे डर किस बात से रहे हो, लड़न से या लड़कर मरण से? और थारे को काला गए कि मारे बाकी साथी सिर्फ मर गए हैं? हाँ, थारे के सारो जवान सिर्फ मरो हो लागे हैं, और ये सारो जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद होया है। शहीद पता नहीं के दरिया के लोग भाग भागती होड़ा जावे हैं। हाँ हाँ, मैं जानता हूं ये सारे जवान शहीद हुए हैं, लेकिन इन्हें इनकी शहादत से क्या मिला? क्या इनके घर वाले तक इनके अंतिम दर्शन कर पाए? अरे ये बात तो तुम लोगों को भी समझनी चाहिए। बेवजह जज्बात में बह जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता सिवाय मौत के और कुछ हासिल भी होगा। जबान संभाल के बात करो सतपाल सिंह। तो मरने के भूल जाने में पल भी गोली लागे कि धाम मेरे हमवतन, मेरे भाई और मेरे दोस्त हो। वैसे भी मरने आप पिछले कई दिनों से केवल दुश्मन की दुश्मन दिखाई देने लग रहा है। सतपाल सिंह मेरे भाई, क्या तुम्हें सच में ऐसा लागे सर कि हमने अपने जवान साथी को खो दिया है और उनके द्वारा दी गई शहादत बेकार गई?
हाँ, क्या तुम लोगों को ये नहीं लगता? बार बार ये सवाल पूछकर साबित क्या करना चाहते हो? अरे मैं तो तुम सबके लिए कह रहा हूं, बेवजह जज्बात में बह जाने का कोई फायदा नहीं है। खराब बुजदिल है तू तो, खराब बुजदिल है। काश काश इन सैकड़ों शहीदों के बीच में थारी लाश भी कहीं पड़ी होती तो घना अच्छा होता। थारे जैसे बड़ी बाप की औलाद अपनी जान बचान खातर देश ने भी बेच सके हैं। मैं देश ने बेचने की बात नहीं कर रहा, ये जज्बात, ये पीछे न लौटने की जिद आखिर क्यों और किसके लिए? इस वक्त इन सवालों का कोई मतलब नहीं बनता सतपाल भाई। बनता है, अगर आज हम सब अपने घर नहीं लौट पाएंगे आखिर क्यों? क्या इसलिए कि हम फौजी हैं और हमारा धर्म केवल लड़कर मरना है? अरे ये तो तुम सबको भी सोचना चाहिए। किसी भावना के बहकावे में आकर हमने इतने जवान साथियों को खो दिया जो कल तक हमारे साथ थे, लेकिन आज आज एक लाश में तब्दील हो चुके हैं। क्या तुझे सचमुच ये लगता है कि हमने अपने सभी साथियों को खो दिया है? जरा गौर से देख इन पहाड़ों को, महसूस कर यहां की बर्फीली हवाओं को। देख सकता है तो देख सूरज की इन किरणों को, तुझे महसूस होगा कि वो कहीं नहीं गए हैं, यही है हम सभी के बीच। जरा महसूस कर सतपाल सिंह। ये सब बातें सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती है साहब। आज मैं इस गादा में जिंदा को नहीं छोड़ू। साहब जी आप कुछ कहते को नहीं, ये लोग एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हैं। कुछ करिए साहब जी, कुछ करिए। जयराम चिंता ना करो, इनमें से कोई भी किसी पर गोली नहीं चला देगा। मैं इन सबको भली भांति जानता हूं। तुम सब लोग अपनी अपनी बंदूक के नीचे करो। नहीं साहब जी, जंग के मैदान में बुद्धिला खतर कोई जगह न हुए है। आज या तो यो रहेगा या फिर मैं। मैंने कहा अपनी अपनी बंदूक के नीचे करो। सिंगला सिंह, दुश्मन की तरह एक दूसरे पर बंदूक तान के खड़े होकर तेरो। ऐसे चटाव के चीनियों को दूर। क्या तुम लोग सीमा पर इसलिए आए हो कि तुम ये साबित कर सको कि तुम में से कौन सही है और कौन गलत? यहां कोई देशभक्ति साबित करने की प्रतियोगिता नहीं चल रही। एक बात बताओ, क्या इस तरह आपस में लड़कर तुम लोग रजांगलों को चीन के कब्जे में जाने से रोक लोगे? अपनी जान बचाने खातर कोई भी हथियार उठा सके, लेकिन अपने मुल्क खातर, अपने लोगा खातर और अपनी माटी खातर लड़नो अलग बात हो गए सतपाल सिंह, अलग बात। यह थारी बात को जवाब है। मैं थारे से पूछू निहाल सिंह, था सेना में क्यों आए? साहब जी, एक तो हम बहुत गरीब, ऊपर से बड़ा परिवार, पेट भरने के वास्ते मैं फौज में आया। साहब जी, घर पे तो कभी पेट भर के खाया नहीं था, सोचा फौज में पेट भर के खाना मिलेगा, इसीलिए मैं फौज में आया। साहब जी, इसीलिए मैं फौज में आया। और अब देश की रक्षा में शहीद हो जाना चाहते हो, है रामचंद्र? साहब में क्यों आए? साहब मेरा हॉकी का खेल देखकर फौज के एक अफसर ने पूछा कि जवान
फौज में भर्ती होवेगा। बस साहब, मैंने तभी से स्कूल छोड़ दिया और फौज में आ गया। हे सतपाल सिंह, छह सेना में क्यों आए? ये तो उम्मीद करते हो? अरे बस इसका टाइम नहीं, यहाँ लेके जाएंगे। मैं क्या करता साहब? हाँ ये सच है कि मैं अमीर घर से हूँ, लेकिन मेरा बाप अव्वल दर्जे का औरत बाज है। उस घर में मेरी माँ की स्थिति नौकरों से भी बदतर है। ऐसा नहीं कि मेरा बापू मुझसे प्यार नहीं करता, करता है, लेकिन मेरा दम घुटता था उस घर में। मैं तो फौज में बस इसलिए आया ताकि ना तो मैं जल्दी घर वापस जा सकूं और ना ही मेरे घर से कोई मुझे मिलने आ सके। सिंह राम सिंह, फिर सेना में क्यों आए? मैं देश की सेवा करना चाहूंगा साहब जी। धर्मपाल, हमारे प्रदेश की भाषा, रहनो सहनो, खानो पीनो, सब कुछ देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। वो जठी भी गयो ना साहब जी, लोग मन्ने बंजारो भोपो ढोल बजानियो डूम, पता नहीं के कह चढ़ायो करतो। ऐसो नहीं जी, वो कुछ गलत पूछते थे, पर बारो पूछन रो मतलब हमेशा गलत ही हो। तो साहब जी, अब फौज एक ऐसी जगह है जहां मन ने किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। अब वर्दी अपने आप में सब कुछ कह दे गए साहब, इसीलिए मैं फौज में भर्ती हुआ, इसीलिए मैं फौज में भर्ती हुआ। बड़ा शौक था उसे कि मैं पत्थर बनूं, क्योंकि मुझे मेरे पत्थर होने पर अफसोस था और डर था इस बहती हुई धारा में विलीन हो जाने का। देखा सतपाल सिंह, बारे में से कोई भी अठे मरण खातर नहीं आयो। हमारी सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होते हुए भी देश की रक्षा करनो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जावे, और हमारे अंदर लड़ मरण को जुनून मारे हालात पैदा कर देवे हैं। अब थे ही कहो, अगर रजांगला चीन के कब्जे में चला जाए तो क्या तुम जीवन भर चैन से जी पाओगे? तुम बटे से पीछे हटनो चाहते हो, जटे की हवा तुमने अपने सांसों में भरी हो, बोलो जी पाओगे? मैं सबके तरफ से आपसे माफी चाहता हूं साहब जी। देखो ना साहब जी, हम सब बच्चों की तरह लड़ रहे थे, लेकिन इसमें हमारा कोई दोष नहीं। अरे ये सारा दोष तो इस समय का है जिसने हम सभी को जीवन और मौत इन दो राहों पर लाकर खड़ा कर दिया है। जहां क्या सही है और क्या गलत हम नहीं समझ पा रहे। हम तो सैनिक है साहब, जिसका एक ही काम है देश की रक्षा करना, रक्षा करते हुए लड़ना और लड़कर शहीद हो जाना। हमें किसी बात से क्या लेना देना? सतपाल, तुम एक इंसान के तौर पर एकदम सही हो, लेकिन एक सैनिक के तौर पर सरासर गलत। हम सैनिक तो बहती धारा के ऊपर बार बार बनने वाली वो तरंगे हैं जो नदी के आगमन के साथ बनती और बिगड़ती है। नदी की धारा हमारा वतन है,
है। धारा जो जो बढ़ेगी तरंगे बनेगी भी और मिटेगी भी। आज हम मिट रहे हैं, पहले कोई और मिटा था। आने वाले समय में देश की रक्षा करते हुए कोई और मिटेगा, मगर शहादत की यह धारा बहती रहेगी। यह ना रुकेगी, ना रुके थी और ना रुकनी चाहिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। और वैसे भी दयाराम, यह सिनेमा घर है पुण्य, जंग को मैदान है मैदान, अठे चोट भी लगे हैं, खून भी बहे हैं और मरनो भी पड़े हैं, लेकिन इससे बैठे दिल्ली में हुकुमरानों को के लेने देनो कि हम फौजी किन किन हालातों से गुजरते हैं। और जब मुरस्तर की गर्म हवाएं दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते ठंडी हो जावे, तो रेजांगला की बर्फीली हवाएं दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते ठंडी होकर और भी जर्द हो जाती होंगी। आप ये बात एकदम ठीक कह रहे हैं साहब जी, मैं तो ठहरा नहीं रहा सणीमा के हुए है नहीं जान, पर अगर ये रजांगला का युद्ध सणीमा में हो तो चीनियों की सौंड सी भर दूंगा। और उधर में सणीमा में तो मरने का भी डर नहीं होता। बाप रे बाप, चीनियों को मारने से पहले ही निहाल सिंह है ना अपनी उल्टी सीधी बातें सुनाकर हम सबको मार डाले वो। अरे वो निहाले, थारे को सही में नहीं पतो के सणीमा का ही चीज हो गया है। ये तलवार जिसने बड़े बड़े सुरमाओं का घमंड तोड़ा, मुहाफिज है न सिर्फ अनारकली की बल्कि मोहब्बत करने वाले इन तमाम मानसा की। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आए भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। इसकी बारी तुम्हें तेरी गलिया, मजाक कर रहा था बावली गुज। सलीमा के हुए है मैं अच्छी तरह जानू सू, मारे गांव में भी आया करा था, इतना बड़ा डब्बा सर पे ठाए और उसमें फोटो चालिया करे थे, और तू बंजारा डूम मने खाए मूर्ख लागे। थारे को मैं मूर्ख लागू तो थारे गांव में सर पर अड्डा बड़ा डब्बा रखकर आया था तो ना, उसने बाइसको ये कह रहे हैं हाँ, और सनीमा बड़े हॉल में चालिया करे। अब तू तो नीरा तीन तक पढ़िया है, मारे को देख फाइव क्लास तक पढ़िया हूँ, फाइव क्लास तक, और ये मूर्ख मन्ने मूर्ख कवे है। साथियों, 3 बजे को है, पूरे 2.5-3 घंटे बाद सूरज डूब जावे को और दुश्मन हर बार की तरह अंधेरों को फायदे उठावे को। ये सब थक भी गए होगे और भूख भी लाग गई होगी, ये सब आराम कर ले, मैं तब तक दुश्मनों पर नजर रखे। जयराम जी साहब, के कुछ खानों का इंतजाम हो सके, कल दोपहर तक इन लोगों ने कुछ कोनी खाए। साहब जी, राशन तो कल चीनियों के हमले में लगभग बर्बाद ही हुआ। ये कुछ कोनी बचो? देखूं साहब जी, शायद कुछ बचा हो। आज नाटक यहीं तक दिखाएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाउस लाइट ऑन। दादा जयराम, आज मन ने तेरे हाथ की खिचड़ी खा के
बचपन में मेरी दादी की याद आ गई। इसकी बार घर गया ना तो थारे खाकर देसी घी का चूरमा लेकर आऊंगा। निहाल सिंह, सिर्फ दादा जयराम खातर ले आऊंगा, मारे खातर कुछ ना ले आवे। सिंहराम सिंह, सबके खातर लेकर आऊंगा और थारे खातर तो पूरा पीपा भर के लाऊंगा। एक बात बता निहाले, तारे घर में इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी खाना बच्चा से? अरे तेरा जापा तो करवा दूंगा। मैं इस बार घर गयो ना तो पेट भर के देसी घी की दाल बाटी चूरमा खाऊंगा। और दादा जयराम, हमारे यहाँ खाना खाने के बाद एक बहुत जरूरी काम बचावे, पूछो के। अरे पूछो के, खाना खान के बाद पुरलाकरण को काम। तू भी निरे पुरलाकरण का है। ये हुआ दादा जयराम, आप कहा क्यों ना रहे? खा रहा हूँ मैं। दादा जयराम ने अपना सारा खाना हमें दे दिया। दादा जयराम, मन्ने पता है कि आपने अपना पूरा खाना मेरे से दे दिया। कोई नहीं, ये लो एक निवाला इस निहाल की तरफ से भी खा लो। अरे खा लो दादा, नहीं तो यो बंजारा डूम कवेगा कि निहाल सिंह पूरे बटालियन का खाना खा जाया करता था। ओ बावड़ी बूच, यो थापो के मतलब है और ठेक थेजारी हो के। अरे ना रे धर में, थारे ने भाइयों को छोड़ के मैं कड़े जाऊंगा। हाँ फिर ठीक है। वैसे तुमने क्या कह रहे हो तो? बंजारो होपो घर में दो बजानियों डूम। अरे मैं तन्ने कितनी बार कया कि मन्ने होपो ना कया कर। हूँ तो बांग्लादेश रो रणबाकुरो हूँ और मारो बाप दादा कठपुतली को खेल दिखाओ कर को। तन्ने दिखाओ मैं घर में बंजारो होपो दो बजानियों डूम बंजारो होपो डूम डूम। साहब जी, अगली बार जब फौज की भर्ती हो ना तो तुम्हारे जैसे फाइव क्लास वालों को भर्ती करना, क्योंकि जो अनपढ़ आदमी तो कुछ भी कह देवे है और जब इससे कुछ कहो तो कह देवे है मैं तो अनपढ़ हूँ जी। इधर देख, आज मैं थारे को दिखाई देता हूँ। साथियों, थोड़ी देर में सूरज छिप जाएगा। तुम सब लोग एक बार अपने घर वालों को याद कर लो, शायद इसके बाद तुम्हारा उनसे मिलना नसीब न हो पाए। और दुश्मनों की तो आदत है अंधेरे में छिपकर हमला करने की। दादी, मन्ने आज भी याद जब मैं पहली बार कुश्ती के खेल में जीत कर आया था तो तन्ने ये सिक्का मेरे गले में घाल लिया और कहा था, जब तक ये सिक्का तेरे गले में है तू जीतता रहेगा। दादी, आज मैं ये रिजांगला का युद्ध जीत कर आऊंगा और आते ही सबसे पहले तेरा पांव दबाऊंगा और तेरे हाथिया का बना देसी घी का चूरमा खाऊंगा। चूरमा खाऊंगा। इस बार जब मैं घर से वापस आ रहा था तुम्हारे गांव वालों ने मारे को एक गमछा सम्मान के रूप में मारे को दिया और कहा कि अपने गांव वालों का सर कभी झुकने मत देना।
लेकिन मैं अपने साथियों की रक्षा नहीं कर पाया, हूँ हार गयो, हूँ हार गयो। पर आज मन ने कसम है मां भारती की, ये अपने खून की आखिरी बूंद बहन तक अपने देश की रक्षा करूंगा, अपने देश की रक्षा करूंगा। मैं हर बार निकम्मा कहा करता था ना, लेकिन तेरा बेटा निकम्मा कोनी। आज इस रेजांगला की धरती पर यो सिंग्राम सिंह यो संग्राम लड़का साबित कर देगा कि तेरा बेटा निकम्मा कोनी, कि तेरा बेटा निकम्मा कोनी। मुझे माफ करना मेरी माँ, ना तो मैं कभी घर लौटकर वापस आ सका, ना ही तुझे तेरी तकलीफों से छुटकारा दिला सका। मैं सचमुच बुजदिल हूं मेरी माँ, सचमुच बुजदिल। हॉकी खेलते हुए जब मेरे चोट लग जाया करे, तब मेरी माँ सरसों का तेल लगा के उस पे गर्म रोटी बांध दिया करती, और मैं दर्द से बहुत चिल्लाया करता। हर तो न्यू कहा करती क्या, गोली लाग गई क्या तेरे, कच्ची रोटी ही बांधी है। माँ आज अगर तेरे बेटे के देश की रक्षा खातर गोली भी लाग गई ना, तो भी हंसते हंसते जान दे देगा तेरा यो रामचंद्र। हमारी घराड़ी सुबन मने आठी थाड़ी बनी याद आवे, हूँ जानू हूँ थे भी मारी घरी फिकर करे हो, पर तू चिंता ना करे, मैं अब की बार एक लंबी छुट्टी लेकर आवंगो और थारे गेला एक लंबो टाइम बितावंगो। बाड़का का ख्याल रखिए, ताबड़ी आवंगो ताबड़ी। यही तो मेरा संसार है जो जल रहा है, पत्थर था कभी जो पिघल रहा है। शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी लड़ाई है, जिंदगी की आखिरी लड़ाई है, आखिरी लड़ाई। माइक टू चार्ली ओवर। चीन की सेना ने हमारे पल्टन आठ पर हमला कर उनकी चौकी बर्बाद कर दी है, हमारे कई साथी घायल हो चुके हैं। चीनी सेना 13 कुमाऊं की ओर बढ़ रही है, सावधान रहिए। ओवर एंड आउट। मैसेज रिसीव्ड, ओवर एंड आउट। साहब जी, चीन की सेना ने हमारी पल्टन आठ पर हमला कर दिया है, अब हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। जवानों, चीन की सेना हमारी ओर हमला करने खातर तेजी से बढ़ने लग रही है, क्या तुम सब लड़ने के लिए तैयार हो? जी साहब। हो सके हमारी अंतिम लड़ाई हो गए, क्या तुम सभी से लड़ने के लिए तैयार हो? जी साहब। बात सिंह, एक बार फिर अपने आप से पूछ लो कि क्या सेठे से अभी भी जानो चाहता हो? साहब जी, मेरी समझ में आ गया है कि जिंदगी की कोई एक लड़ाई कभी ना कभी तो आखिरी होगी, तो फिर यही सही। वैसे भी जिल्लत भरी जिंदगी से अच्छा है शहादत भरी मौत, जहां जन्म लिए चंद्रगुप्त मौर्य, गूंजता है गगन में जिनका शौर्य। ये धरती जाटो वीर अहिर चौहानों की, शेरों के संतानों की। हम चीर गगन को रख देंगे, तोड़ नीर गगन का रख देंगे। हा हा, ऐसा तूफान आएगा जिसे देख काल शर्माएगा, ले देख ये है सिंहों की चाल, वीर अहिर जिसकी ढाल। उसको क्या तू हराएगा, मृत्यु को गले लगाएगा। मराठों ने जहां बलिदान दिए, गोरखों ने हंसकर
प्राण दिए। आज वो शुभ दिन फिर आया है जब माँ ने हमें बुलाया है। सोच ये भूमि कैसी है, मेरी माँ की जैसी है, भारत माँ की जैसी है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। राधा किशन की जय। राधा किशन की जय। जवानों हम सब कितने हैं? साहब साहब नहीं साहब जी, 8 है। अरे मैं भी तो हूँ, एक बंदूक मने भी दे दो साहब जी। जवानों यही वो वक्त है जिसे एक बार जीने के लिए हर सिपाही वर्षों तक इंतजार करता है। हो सकता है मारी शहादत को मारे देशवासी महसूस कर पाए या नहीं, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, मुझे इतना जरूर मालूम है कि इस वक्त की लड़ी हुई लड़ाई भविष्य में न जाने कितने ही वीरों को सरहद तक खींच लावेगी। जवानों अब तुम सभी सतर्क हो जाओ, और हाँ कोई भी गोली नहीं चलावेगा, क्योंकि तुम सब जानते हो कि हमारे पास असला बहुत कम है। हम दुश्मन का नजदीक आने तक इंतजार करेंगे। जैसे ही दुश्मन हमारी गोली की रेंज में आवेगा, हम उन्हें अपनी गोली का निशाना बनाएंगे और उन्हें मारकर उनसे उनके हथियार और असला छीनेंगे। वो शक नहीं साहब, वो शक नहीं साहब। राम सिंह जी साहब ऊपर से नजर रखो। जयराम जी साहब एक बंदूक जयराम नांगरी को भी दे दो। मैं अपनी माँ से पूछा करता था कि आसमान के तारे टूटते क्यों हैं? तुम बताओगे दादा जी? जब भी धरातल का कोई तारा अपने जैसे लाखों करोड़ों तारों की मुस्कुराहट बरकरार रखने के टूट जाता और टूट कर आसमान की तरफ बढ़ता है, तब आसमान का कोई तारा
तिरंगा सिर्फ इसलिए नहीं लहराता कि हम, वो इसलिए लहराता है क्योंकि भारतीय सैनिक अपनी आखिरी सांस तक इसकी रक्षा करते हैं। स्वाधीनता संग्राम से लेकर वर्तमान समय तक जब भी देश को शहादत की जरूरत पड़ी है तो हरियाणा के वीर सपूतों ने अपना बलिदान देकर भारत माता की रक्षा की है। चाहे 1857 की क्रांति हो या आजादी की लड़ाई हो, चाहे 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हो या फिर कारगिल हो, और चाहे 1962 का रेजांगला का युद्ध हो, हरियाणा की माटी के वीर सपूत शूर वीरों में अति शूर वीर वीर अहीर, अहीरों का योगदान अतुलनीय है। इन शूर वीर अहीरों के सम्मान में चीन के सेना अधिकारियों ने भी कहा था कि भारत के सिर्फ 110 सैनिकों ने अपना असला खत्म होने के बावजूद और बिना अच्छे तकनीकी हथियारों के हमारे लगभग 1300 सैनिक इतनी बहादुरी से मार गिराए, इन्हें सैल्यूट है। रेजांगला का युद्ध विश्व की अब तक की सर्वश्रेष्ठ 8 लड़ाइयों में से एक है। इस अदम्य साहस, बलिदान और शौर्य के लिए पूरा भारत 13 कुमाऊं रेजिमेंट और वीर आहिरों का सदा ऋणी रहेगा।